हेलो दोस्तों, मल्टी एंगल कल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बताने वाले हैं कि बारिश में आप इस पौधे को देखे होंगे, बारिश में होते हुए तिल्ली है, इसका पैदावार बारिश में आप देखे होंगे। तो दोस्तों, ये बारिश में न उगा के ये पौधा गर्मी में उगाया गया है। जैसा कि आप देखिए, फल लगा हुआ है। फल देखिए, ये छोटे से नज़दीक छोटे फल से लगा है, अभी कितना बड़ा गया है, जितना बड़ा गया उतना फल लगा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये उतना बड़ा फल लगा है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा समय से पहले बोने का फ़ायदा यही है दोस्तों। आप देख रहे हैं पूरे खेत में, और बहुत अच्छा लगा है फल, और काफ़ी तगड़ा फल लगा हुआ है, छोट नीचे से ले कर ऊपर तक का फल लगा है दोस्तों। तो पहले बोने का रीज़न ये है दोस्तों कि पैदावार काफ़ी अच्छा हुआ है इसमें दोस्तों। उतैला मतलब उर्दी भी बोया गया था और ये भी बोया गया था, जिसको अफरदा बोलते हैं हम लोग। तो बहुत ही अच्छा उगा है दोस्तों। इस बार ये ट्राई लेने के लिए बोया गया था कि देखें क्या इस सीज़न में किस तरह से फल देता है, इस सीज़न में किस प्रकार का ये फल छोड़ता है। तो दोस्तों, इस सीज़न में तो फल बहुत ही अच्छा ये दिया है। आप देख सकते हैं कि पौधे हरा है, कितना अच्छा फल दिया है, और पूरी तरह से लगा हुआ फल है दोस्तों। तो दोस्तों, तो जिस तरह से मैंने रिसर्च किया है, और वो बहुत ही सक्सेस रहा इस बार, और तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय से पहले इसको उगाने की कोशिश करें, क्योंकि बारिश में दोस्तों ख़राब हो जाता है, बारिश में सड़ जाता है, गल जाता है, और बारिश समय से ज़्यादा हो जाता है तो ये सड़ने लगता है। बारिश में धूप नहीं मिलता है दोस्तों, तो इस टाइम धूप भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब चीज़ है, और किसी प्रकार का रोग वोग नहीं है दोस्तों। तो इस समय बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। तिल्ली है, तिल्ली की खेती बहुत ही आसान, किसी प्रकार का दवा का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ भराई किया गया है दोस्तों, और कोई किसी प्रकार का इसमें दवा का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे देख रहे हैं कि पौधा स्वस्थ है, और फल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगा है। फूल भी लिया है दोस्तों, आप देख रहे हैं। फूल लेने के बाद देखिए फल कितनी आसानी से, कितना अच्छा फल लगा हुआ है, और पूरे नीचे तक लगा है दोस्तों। तो दोस्तों, समय से पहले बोने का ये फ़ायदा मिला है हमको, तो ट्राई लिए तो काफ़ी सक्सेस रहा, और सक्सेस है। तो दोस्तों, अब आप लोग से भी कहेंगे कि उड़द बोया जाता है उसके साथ आप बो सकते हैं, और अच्छा पैदावार ले सकते हैं, बारिश में बोने की ज़रूरत नहीं रहेगा दोस्तों, और ना बारिश में सड़ने गलने की किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम अच्छा से अच्छा खोज करके, आपको अच्छे से अच्छे रिसर्च करके आपको हम वीडियो दिखाएं। और चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे सपोर्टर भोले भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और इनका काफ़ी सहयोग रहता है दोस्तों, और हम और ये दोनों लोग मिल के चैनल बनाए हैं दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा दोस्तों, तो बिल्कुल हम लोग आगे जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।